राजा भैया ने मृतक नगर पंचायत अध्यक्ष के परिजनों से की मुलाकात। सोनभद्र के रेणुकोट में 30 सितंबर को रेणुकोट नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रसाद सिंह की बदमाशों ने उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सोनभद्र पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सिंह व उनके 4 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सिंह व उनकी गिरफ्तारी को लेकर मृतक नगर पंचायत अध्यक्ष के समर्थकों को चक्का जाम, अब बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, जिसके तहत आज कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया मृतक पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह के परिजनों से मुलाकात की और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कहा कि मैं मुख्यमंत्री से स्वयं इस विषय में बात करूंगा और उनको सारी बातों से अवगत कराऊंगा। हमारे बीच में से चले जाना, उनकी निशंस हत्या, ये हमारी व्यक्तिगत क्षति है। इसके पहले की जो घटनाओं जिनका आपने जिक्र किया उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष विवेचना इसमें होगी, ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि जो इसके दोषी हैं वो दंडित हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मिल करके हम कही लोग और उनको तथ्यों से अवगत कराएंगे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। जिस तरह से ये जो हत्या हुई उसके जो साजिश करता है वो सत्ताधारी दल के हैं, उस दोषी है कोई दल की बात नहीं है, जो भी दोषी होगा प्रशासनिक उस पर कड़ी कार्रवाई और उनको दंडित कराने का हमारी तरफ से, जनसत्ता दल की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। और हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलकर के पीड़ित परिवार ने जो आशंकाएं जताई हैं, जो इन्होंने अपने कष्ट व्यक्त किए हैं, जो घटना के विषय में डिटेल दिए हैं वो तो हमने रख लिए हैं और सीधे इस पर मुख्यमंत्री जी से ही बात होगी, उसको अभी यहाँ पत्रकार वार्ता में कहना होगा। सर, जो भी परिजन से आपने मिला है तो प्रशासन के विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो भी प्रशासन की क्रिया रही है?